बहुत ही इजी रेसिपी शेयर करेंगे। ये है मैक्रोनी कटलेट्स, जिसके लिए हमें चाहिए 2 लार्ज साइज़ के बॉइल्ड पोटैटोज़। 1 कप मैंने मैक्रोनीस को बॉईल कर लिया है और साथ में मैंने 1 छोटी साइज़ की प्याज को चॉप कर लिया है। साथ में 3 ग्रीन चिलीज़ हैं हमारे पास, लाल मिर्च का पाउडर है, फ्रेश रेड चिलीज़, क्यूमिन, साथ में ब्लैक पेपर है, साथ में चाइना सॉल्ट है और ग्रीन सॉल्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, प्रोसीजर को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने बॉइल्ड पोटैटोस को अच्छे से मैश करना है विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्क। फिर आप मैक्रोनीस को मैश कर लें। मेक श्योर टू वॉश योर हैंड्स एज आई ऑलरेडी वॉश्ड माइन। अब पोटैटोस को अच्छे से मैश कर लीजिए और बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स को, जिसमें है आपके पास अनियन और चिलीज और सारे स्पाइसेस हैं, उनको डाल के अपने हाथ से इसको अच्छे से मिक्स कर दें और 5 मिनट के लिए उसको रेस्ट करने के लिए रहने दें। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने कटलेट्स बनाने हैं और आपको थोड़ा सा पानी चाहिए ताकि आप अपने हाथ को गीला कर सकें, ताकि जो हमारा बैटर है वो हमारे हाथ के साथ स्टिक ना हो। फिर छोटा सा पोर्शन ले लें आप अपने हाथ में और अपने हाथ में उसको दबाएं एंड ट्राई टू मेक अ कटलेट आउट ऑफ इट। प्रेस इट और अच्छे से इसको इवन कर लें और कटलेट्स बनाकर रख दें। इसी तरह बाकी की कटलेट्स भी बना लें। अब इन कटलेट्स को जो आपने बना लिए हैं, तो यू सी दे आर नॉट यूनिफॉर्म बिकॉज ये सिर्फ आलू नहीं है, इसमें हमारे पास मैक्रोनीस है और मैक्रोनीस पूरे से हमारे पास मैश नहीं होते, तो ये इस तरह अनइवन इनकी सरफेस रहेगी, बट बिलीव मी दे विल टेस्ट सो गुड। अब आपने क्या करना है कि इसको कोट करने के लिए आपको एक अंडा चाहिए। आपने अंडा तोड़ लेना है और उसको फॉक की मदद से उसको अच्छे से बीट कर लें, ताकि कोई भी लंपी लंपी स्टफ हमारे पास ना रहे, बिल्कुल अच्छे से बीट हो जाए। अब आपने पैन गरम कर लेना है और उसमें आपने ऑयल डाल लेना है। शैलो फ्राई करने के लिए कटलेट्स को बस थोड़ा सा ऑयल ले लें आप, और अब ऑयल को आप गरम होने दें। मैंने थोड़ा सा ऑयल और डाल दिया है जस्ट फॉर अ गुड रिजल्ट। अब आपने कटलेट लेके उसको एग वाले बैटर में बिल्कुल इवनली कोट करना है और फिर आपने उसको ऑयल में फ्राई होने के लिए डाल देना है। फिर इसी तरह के बाकी कटलेट्स भी आपने कोट करके